anterior de Marvel Studios. Ya. ¡Oh! अभी जो है 4:47 मॉर्निंग टाइम। तो आज का एक राइड है, आज हम जा रहे हैं मैं, कौस्तुभ और सूरज फिर से बेताल हिल पर। अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, तो देखते हैं। अभी मुझे एक्चुअली स्वेटर पहनना पड़ेगा क्योंकि बाहर थोड़ा ठंडी है। सॉरी स्वेटर नहीं, स्वेट शर्ट है। तो ये यहाँ पर मेरा स्वेट शर्ट है, तो मैं पहले पहन लेता हूँ फिर आगे बात करते। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर क्योंकि बाहर ठंडे। चलो नहीं, एक मिनट, शूज अभी पहनना बाकी है। तो ये पिछले टाइम हिल पर गए थे, इसमें देखो कैसे हुआ। मुझे तो ऐसे ही पहनना पड़ेगा कि दूसरा पैर सॉक्स का मैंने नहीं डाला शूज के अंदर। अभी आप बोलोगे कि जीन्स पहनकर कौन जाता है ट्रैक पर या हिल पर, मेरी आदत है भाई लोग, और ठंड में तो है ही, क्योंकि वो ट्रैक पैंट होता है उसमें ज़्यादा ठंडी लगती है, इसलिए मैं जीन्स पहनना प्रेफर करता हूँ। मैं इसमें कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मैं ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर रहा हूँ, एक ये मेन DSLR रहेगा, ये एक्शन कैमरा, यहाँ पर का ये हेलमेट, मेरा मोबाइल और एक मेरा ये बैग। चलो निकलते। अभी बज चुके हैं 5:05, तो जितना टाइम के अनुसार जाना था उससे 5 मिनट सिर्फ लेट है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा कौस्तुभ के घर, सूरज भी वहीं पर रहता है नज़दीक में। आगे की कहानी बाद में बताऊँगा, उन दोनों के साथ फिर हम आगे जाएंगे। हाल ना अजुन, तेरा फोन खेलता की तो अभी ये कौस्तुभ और सूरज और हम निकल पड़े, ठंडी बहुत है अभी। पिंपड़े सौदागर, जगतब डेरी चौक। टाइम हुआ है 5:20, हमें पहुंचने में लगेंगे लगभग 30 मिनट। अभी आप बोलोगे टेम्पो तो फास्ट भाग रहा है, गाड़ी तो स्लो चल रही है। हाँ भाई ठंडी है बाहर, ठंडी में राइड करने का मजा ही कुछ अलग है। ये आ गए हम आउन। ये देखो टेम्पो गए पीछे, बोला अभी ये सब गाड़ी अभी घला हो गया। ये बस गई पीछे, ये कार भी गई पीछे, वो बड़ा टेम्पो, ये छोटा टेम्पो, सब गए पीछे। ओ तेरी, बहुत धूल आ गए भाई। क्लीनिंग व्हीकल है वो, रास्ते साफ करते हैं, कचरा उठा के लेके जाते हैं और धूल मिट्टी फेंकते हैं। समझ में नहीं आता ये कचरा उठाते तो मिट्टी के रोड पर छोड़ते, मिट्टी उठा के ले लो और डाल दो कहीं और पे, नहीं लेकिन यहीं पर छोड़ेंगे। ये वाली बस भी गई पीछे। फिलहाल मैं हूँ यूनिवर्सिटी रोड पे, कौस्तुभ पीछे रह गए शायद। ये SV रोड है,
मेरा गूगल वॉइस असिस्टेंस चालू हो गया गूगल मैप्स के लिए, आपको भी सुनाई देगा। आया ना, अभी हमें ऊपर नहीं जाना है, नीचे से जाना है, ये कन्फर्म है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है। यहाँ पे गेट लगेगा, गेट से एंट्री मिलना चाहिए। पहुंच गए नहीं, हम अंधेरे में चलते चलते ऊपर तक जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो बाद में ऊपर जाने के बाद ये कैमरा ऑन करेंगे अभी। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पर भी। अरे तुम्हारा डिटेक्ट कौन करना, चेहरे वरती मार रहे हो तुझा यहाँ पर से हमने बहुत बड़ा एडवेंचर कर दिया, उसके क्लिप्स आपने देखे होंगे इससे पहले, और बाकी जो आपको इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगा कौस्तुब के, मेरे और सूरज के, तीनों को फॉलो कर दो। और यहाँ से अभी वापस हम जा रहे हैं घर पे, दो लोगों को जरा जल्दी है काम की। यहाँ पर अभी जो पब्लिक आना शुरू हो गया और हम घर पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ग्रुप में, इनको शायद कुछ कोरोना का डर नहीं है। और ये एंट्री और एग्जिट गेट आ गया है, तो यहाँ से अभी हम वापस जा रहे हैं। सुबह में आपने देखा काफ़ी अंधेरा था और यहाँ पर हमारी बाइक लगी हुई है, ठीक है, बाकी जो बातें घर पर मिलने के बाद अभी मोटर ब्लॉक चालू होगा। तो अभी यहाँ से जो है हम वापस रिटर्न जर्नी हमारा चालू करते हैं। फिर हेलमेट का वाइजर पहले बंद कर दिया, कुछ छोटे छोटे कीड़े यहाँ पर हेलमेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाय बाय विताल हिल। आज का जो सफ़र है काफ़ी एडवेंचरस था,
आपने इससे पहले भी देखा होगा एक्शन कैमरा से जो मैंने शूट किया है। ये जो हिल बेसिकली आता है कोथरूड एरिया में, पौड रोड था बेसिकली कोथरूड से जाने वाला। सीधे सीधे अगर हम जाते तो हाईवे पे लगते जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है। मी इथून जातो मग, चल अभी जो है मैं यहाँ पर वापस घर पे अपने आ चुका हूँ। थोड़ा सा थकान हो रहा है क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ इसलिए, लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं है फिलहाल। आपको ये बाहर के कुछ आवाज़ आ रहे होंगे तो इसको प्लीज़ इग्नोर कर दो। और ये हो गया, ये मेरा लाइटिंग सेटअप है, इसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बाल जो है पूरे ख़राब हो गए हेलमेट की वजह से, होते ही है हमेशा की तरह मेरे। उसको इग्नोर कर दो, आप बोलोगे क्या क्या चीज़ें इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं। हमें काफ़ी मज़ा आया, हमने जो आज एक टावर था वहाँ पर हिल पर के ऊपर क्लाइम किया, तो वो क्लाइम मैंने दो बार किया। पहले एक बार जो था वो एज अ ट्रायल बेसिस पर था क्योंकि किसी को इंजरी वगैरह ना हो, इस वजह से थोड़ा रिस्की था। रिस्क है तो मज़ा है। बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। हम तीनों को जो फॉलो कर लो, हमारे तीनों का जो इंस्टाग्राम का जो आईडीज है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों भी काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनके तो फोटोज़ पोस्ट रहते हैं और मेरे वीडियोज़ फोटोज़ मिक्स रहते हैं। मेरे तो ट्रैवलिंग वगैरह के और पर्सनल कुछ फोटोज होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो। और आप अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगता है या कोई कंटेंट आपको चाहिए इसके लिए तो वो कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करो यार, कमेंट करने के बाद मुझे अच्छा लगता है। कमेंट आप कुछ भी करो चलेगा, लेकिन वो एज ए अप्रिसिएशन मुझे मिलता है कि लोग या आप लोग दोस्त लोग है वो देख रहे हैं ये सारा कंटेंट और काफी अच्छा लगता है। भाई मेहनत है तो फल भी मिलना चाहिए, मतलब ये जरूरी नहीं है कि फल मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर आप कमेंट करते हो ना तो वो एज ए मेरे लिए अप्रिसिएशन होता है। अभी मैं थोड़ा नहा धो के बाकी कुछ घर के काम है वो निपटा लेता हूँ। कुछ पर्सनल काम होते हैं जो हमेशा कैमरा में शूट नहीं किया जा सकता। ये एक लाइट है, आगे क्या और बताएंगे। तो बाय बाय, देखो कितना अंधेरा हो जाएगा।